मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने कल देर रात स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 ने एक कॉमेडियन शो में हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मुनव्वर फारूकी की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने मुनव्वर फारूकी समेत 5 लोगों की शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इंदौर में एक कॉमेडी शो आयोजित किया गया था, जहां फारूकी को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ भी पहुंचे थे, जिन्होंने शो के दौरान मुनव्वर फारूकी की आपत्तिजनक बातों का विरोध किया और शो रुकवा दिया। एकलव्य ने अपनी शिकायत में भी कहा कि कोरोना काल में बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के बगैर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। न्यूज़ डेस्क।